हेलो फ्रेंड्स, लाइव विद पुष्पा में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना ज़रूर मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और कमेंट करके भी ज़रूर बता दीजिएगा कैसा लग रहा है मेरा वीडियो आप लोगों को, तो मैं उस तरीके से आगे फिर से और आगे अपने वीडियोज़ कंटिन्यू करूँ। और ये मेरा बाहर का व्यू है, मैं थोड़ा बालकनी में ही खड़ी हुई थी और बस बाल बनाने लगी थी, मैं रेडी हो चुकी हूँ। और फिर वहाँ से आकर के मैं आप लोगों को साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और देखिए, वहाँ से लौट के आने के बाद ये मेरा मिल्क है, मैंने इसको बॉईल होने रख दिया है। और इसके बाद में आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सूजी के लड्डू, तो उसमें ये हम सूजी को भून रहे हैं। और अब ना हम ये जैसे ये सूजी ना थोड़ी ब्राउन सी हो जाएगी ना, तो फिर इसको हम रख देंगे। और हम लोगों ने जो खोवा है ना पहले से ही मिल्क से तैयार कर लिया है दूध से। और ये देखिए हम लोग दिखा रहे हैं हमारे इसमें क्या है, ये मेरा बेटा है, ये दिखा रहा था कि इसमें लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ये मिल्क उबल गया था, वो मैं पहले दिखा चुकी आपको, ये पराठा रखा हुआ था एक टू कैसरोल में। और ये मैंने मलाई निकाल के रखी हुई थी, ये ना ये मेरे बेटे ने वीडियो बना दिया है तो मैंने कहा कि मैं डाल दूँगी इस क्लिपिंग को भी। और ये देखिए खोवा रखा हुआ है हमारा बना हुआ। बस अब ये जो सूजी है और ये खोवा जो है इनको हम मिक्स करेंगे और शुगर डाल देंगे। और ड्राई फ्रूट्स अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग एक्चुअली नहीं डाल रहे हैं, हम लोग बस इलायची बस डालेंगे। और ये देखिए हमने सूजी में खोवा मिक्स कर लिया है और ये शुगर है वो भी। और देखिए ये लड्डू बनना तैयार हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं। और लड्डू को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसको भी एक लाइक दे दीजिएगा।